उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर में कोरोना काल में गरीबों को बांटने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ था, जिसके बाद घोटाले के जांच में 12 सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं के साथ साथ तत्कालीन जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा था। पूरे मामले की जाँच तत्कालीन एसडीएम और उपायुक्त खाद्य विभाग द्वारा की गई थी। जांच के बाद 12 राशन दुकानों को निरस्त करते हुए घोटाले में शामिल दुकानदारों और अधिकारियों को रकम वसूली के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जांच के 2 साल बाद भी इन दुकानदारों और अधिकारियों से राशन घोटाले की रकम नहीं वसूली गई। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि घोटाले की वसूली के बजाय पुराने जांच के आदेश को फिर से कुछ अधिकारियों ने लीपापोती कर घोटाले में शामिल दुकानदारों के निरस्त दुकान बहाल करने की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले में खाद्य मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में घोटाला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मामले की जांच कराई जाएगी। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि घोटाले में शामिल सस्ता गल्ला विक्रेताओं और अधिकारियों से अभी तक घोटाले के रकम की वसूली क्यों नहीं हो पाई। विभाग को मैं संभाल रही हूँ 2022 से 2022 से लेके अभी तक मेरे पास एज सच कभी कोई कंप्लेंट नहीं पहुँची है कि खाद्य विभाग में इस प्रकार का कोई घोटाला या किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जो है वो पाई गई है। मेरे संज्ञान में आएगा, मेरे पास पत्रावली आएगी और आज आपने जैसे बताया है मैं भी स्वयं उसको परीक्षण करूंगी कि ऐसा कुछ भी होगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जनता की सरकार की है, हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति है, ऐसा कोई भी अधिकारी जो किसी भी प्रकार से इसमें संलिप्त होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो है कि रिकवरी कार्रवाई चल रही है और उसको नोटिस इशू कर दिया गया है रिकवरी जमा करने के लिए, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रिकवरी कीजिए, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हमें प्राप्त हैं उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, बहाल करने की कार्रवाई नहीं हुई। रिकवरी से बात करें तो कितना करोड़ है अभी तक, कब तक रिकवरी हो जाएगी? रिकवरी शीघ्र हो जाएगी इसमें।